साथियों, बंगाल और भारत के लिए रवि ठाकुर का आदेश है, रवि ठाकुर का आदेश है, चित्तो जेथा भय शून्नो, चित्तो जेथा भय शून्नो, हृदय जहां भय मुक्त रहे। लेकिन दीदी का प्रयास रहता है चित्तो जेथा भय आक्रांतो, चित्तो जेथा भय आक्रांत, हृदय जहां भय आक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जा रहा तो वो और बौखला गई है। दीदी की गुंडागिरी मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के लोगों ने आप पर अभूतपूर्व विश्वास किया था, अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली है बंगाल की जनता इस चुनाव में, जो आप जीवन भर घर में लटका करके रख सकती हो। कौन सा सर्टिफिकेट जनता देने वाली है? जो 2 मई को सर्टिफिकेट आने वाला है, वो सर्टिफिकेट आने वाला है भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यानी दीदी ये बंगाल की जनता अब आपको आजीवन एक सर्टिफिकेट देने वाली है भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लेके घूमते रहना भाइयों बहनों, बंगाल के लोग, बंगाल के लोगों से आपकी नफरत भी महसूस कर रहे हैं। दीदी के करीबी शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों और बहनों को भिखारी कहते हैं। दीदी चुप रहती है, दीदी के करीबी बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं, दीदी चुप रहती है। किसी की दुखद मृत्यु पर दीदी की संवेदना भी वोट बैंक का फिल्टर लगा करके ही प्रकट होती है। दीदी, पश्चिम बंगाल आपकी दुर्नीति से परेशान है, इतना ही नहीं है बल्कि बंगाल को आपकी नीयत पर भी शक है। इसलिए पश्चिम बंगाल के कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, किच्छु नहीं तृणमूल, किच्छु नहीं तृणमूल, ए बार वोट पोद्दो भूले, कुछ नहीं अब तृणमूल में, इस बार वोट कमल फूल में।